आप चाहे किसी भी रनिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका रनिंग स्पीड नहीं है तो आप उस रनिंग को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको चार ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने रनिंग स्पीड को जितना चाहे अपने एबिलिटी के अनुसार बढ़ा सकते हो। इसीलिए इन चारों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। टिप्स नंबर 1, एक्सरसाइज। कुछ ऐसे एक्सरसाइज जिसे अगर आप रनिंग से पहले करते हो तो आपकी रनिंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है हाई नी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक ही जगह पर खड़ा हो जाना है और अपने नी को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाते हुए दौड़ना है और ध्यान रहे कि एक ही जगह पर आप अपने दोनों पैरों को पटकें और आप अपने हाथों को जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड चलाएं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हिल फ्लिक्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक ही जगह पर खड़ा हो जाना है और अपने पैरों को जितना ज्यादा हो सके पीछे की ओर चलाएं। कोशिश करें कि आपके पैर घुटनों से ऊपर जाएं, तभी जाके आपको इसका ज्यादा फायदा मिल पाएगा। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जंपिंग लंजेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जंप करते हुए अपने एक पैर को आगे करना है और फिर जंप करते हुए दूसरे पैर को पीछे करना है और इसी तरीके से इसे स्पीड से 5 से 7 मिनट तक रनिंग से पहले जरूर करें। ये एक्सरसाइज आपको रनिंग के वक्त लॉन्ग स्टेप को लेने में बहुत मदद करती है। हमारी चौथी एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस नी ड्राइव। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले सीधा खड़ा हो जाना है और फिर अपने एक घुटने को मोड़ते हुए जमीन से सटाना है और फिर आगे की ओर किक करना है और इसी तरीके से आपको इसे दोनों पैरों के साथ करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको रनिंग के वक्त राइट स्टेप लेने में बहुत मदद करेगी। अब हमारी जो पांचवी एक्सरसाइज है वो है ट्रक जंप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले एक जगह पे खड़े हो जाना है और फिर अपने दोनों घुटनों को आगे की ओर करते हुए जितना ऊपर हो सके उठाएं और जंप करें। तो ये 5 ऐसे एक्सरसाइज है जिसे अगर आप रनिंग से पहले करते हो तो आपकी रनिंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 2, उम्मीद से ज्यादा करें। देखिए, हम लोगों का जो बॉडी है वो एक एडेप्टिव पीस है। आप इसमें जितना ज्यादा प्रेशर दोगे ये उतना ही अपने आप को हालात के हिसाब से बदलती रहेगी। तो इसीलिए अगर आपको अपने रनिंग स्पीड को बढ़ाना है तो आपको अपने टाइमिंग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप में ही हर दिन कुछ ना कुछ इंक्रीज करें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है और आप पहले दिन 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट पे लगाते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको टाइमिंग लेकर रनिंग करनी है। मान लीजिए कि आपने पहले दिन 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट किए, तो आपको कोशिश करना है कि आप जब दूसरे दिन रनिंग करें तो उससे 5 सेकंड समय को कम लगाएं, यानी कि 5 मिनट 55 सेकंड में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इसी तरह हर दिन अपने आप में थोड़ा सा इंक्रीज करें और टाइमिंग को कम करें। अगर आप हर दिन 5 सेकंड भी अपने टाइमिंग को कम कर पाते हो तो आप 10 दिन के अंदर ही 1600 मीटर रनिंग को आप 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए आप जिस तरह के रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 1600 मीटर हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें उम्मीद से ज्यादा करने की कोशिश करें। अपना पूरा जी जान लगा दें और टाइमिंग को कम करने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 3, ब्रेक स्टेप टेक्निक। ये एक बड़ा कमाल का टेक्निक है। आप इसके मदद से आप अपने रनिंग स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। इस टेक्निक में आपको करना ये होता है कि आप जैसे कि रनिंग कर रहे हो और आपको ये फील हो कि आपका रनिंग स्पीड बहुत ज्यादा धीमा है, तो उस वक्त आपको अपने मन में ही 10 गिनना है और 10 गिनने के साथ साथ अपने पैरों को जितना हो सके खोले और 10 तक लंबे लंबे कदम ले। यानी कि रनिंग करते वक्त जैसे ही आपको फील होने लगे कि आपका स्पीड बहुत ज्यादा धीमा हो चुका है, तो उस वक्त आपको अपने मन में ही गिनना है 1, 2, 3, 4 और आपको अपने स्टेप को लॉन्ग लेना है। लेकिन ध्यान रहे
इस टेक्निक को करने के लिए आप अपने पैरों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खोलने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 4, डाइट। देखिए, आपको स्पीड रनिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके डाइट से, आपके खान पान से। आप जो खाते हो उसी से आपको एनर्जी मिलती है, और इसीलिए अगर आपको स्पीड दौड़ना है तो आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होनी बेहद जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीजों का नाम बताता हूँ जिसे अगर आप सेवन करते हो तो आपके बॉडी में इतना एनर्जी आ जाएगी कि आप जितना चाहे उतना स्पीड से दौड़ पाओगे। तो आपको सबसे पहला चीज जो लेना है वो है कच्चे चने। कच्चे चने में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के साथ साथ रनिंग स्टेमिना को भी बढ़ाती है। इसीलिए कम से कम 50 से 60 ग्राम कच्चे चने हर दिन जरूर खाएं। और अगर आपके बॉडी में स्टेमिना की बहुत ज्यादा कमी है तो आप हो सके तो आप कच्चे चने के पानी को पी जाए। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है कच्ची हरी मूंग। इसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा होती है जिससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसे भी आपको हर दिन 50 से 60 ग्राम जरूर खाना है। तीसरी चीज जो लेनी है वो है सलगम। सलगम में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को और भी ज्यादा फुर्तीला बनाती है और आलस को पूरी तरीके से दूर कर देती है, जिससे आप रनिंग करते वक्त फ्रेश फील करते हो और अपने फुल पोटेंशियल के साथ दौड़ पाते हो। चौथी चीज जो आपको लेनी है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको किसी भी पूजा भंडार या फिर किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से मिल जाएगी। अश्वगंधा एक नेचुरल चीज है और इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, और ये हमारी बॉडी में ताकत को बढ़ाने के साथ साथ रनिंग स्टेमिना को भी बढ़ाती है। अश्वगंधा को खाने का तरीका ये है कि आप एक चम्मच अश्वगंधा को एक गिलास दूध के साथ अच्छे तरीके से मिलाएं और रात को सोने से पहले पी जाएं। अश्वगंधा से आपके बॉडी को इतना ज्यादा ताकत मिलेगा कि आप इसे देखकर खुद हैरान हो जाओगे। पांचवी चीज जो आपको लेनी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। देखिए, रनिंग करते वक्त हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे सेल्स के द्वारा मिलता है, और जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक सुपर सेल्स में बदल जाते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जी दे पाती है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। तो ये कुछ 4 ऐसे तरीके थे जिसे अगर आप एक मंथ तक फॉलो करते हो तो आप अपने रनिंग स्पीड को काफी गुना ज्यादा बढ़ा पाओगे। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।